लिए आपका कौशिकी किचन में स्वागत कर रही हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पे टैप कीजिए। आज हम बनाने वाले हैं परवल आलू की सब्जी, बहुत ही टेस्टी लजीज परवल की सब्जी। आपने परवल देखे होंगे मार्केट में, छोटे छोटे ग्रीन कलर के मिलते हैं, सबको लगते हैं ये बिल्कुल भी टेस्टलेस होते हैं, बट आज हम इन्हीं को बहुत टेस्टी सब्जी में कन्वर्ट करते हैं। इसके लिए हमने 2 आलू लिए हैं और 250 ग्राम परवल लिए हैं। परवल को हमने इस तरह से हाफ हाफ काट लिया है और यहाँ पे मैंने दही लिया है, 2 प्याज को ग्राइंड करके, 1 प्याज को ग्राइंड करके पेस्ट बना लिया है और 2 टमाटर का पेस्ट बना लिया है। अब मैं 1 टेबल स्पून ऑयल डाल रही हूँ कुकर में और उसमें मैं डालूँगी 1 चम्मच जीरा। जब तेल गर्म हो जाएगा तब मैं उसमें मिलाऊंगी 1 चम्मच जीरा। जीरा जब क्रैक होने लगेगा तब मैं उसमें और मेरे इंग्रेडिएंट्स मिलाऊंगी। सबसे पहले मैं मिलाऊंगी इसमें अनियन पेस्ट, जब हमारा अनियन अच्छे से पक जाएगा और उसका कलर थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तब हम इसमें मिलाएंगे हमारे टमाटर का पेस्ट। एक चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट मिला रही हूँ मैं। ये देखिए थोड़ा सा गोल्डन होने लग गया है। अब मैं इसमें टमाटर का पेस्ट मिला रही हूँ, जो मैं 2 टमाटर और 1 मिर्च का पेस्ट है वो इसमें मिला दिया है मैंने। अब मैं इसमें मसाले मिलाऊंगी, तो 1/2 स्पून हल्दी पाउडर मैं मिला रही हूँ, 1.5 स्पून रेड मिर्च मिला रही हूँ और 1 स्पून धनिया मिला रही हूँ यहाँ पे। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यहाँ पे मैंने 1 चम्मच नमक मिलाया है, इसे मिक्स कर लेंगे। जब हमारा पेस्ट में से ऑयल अलग हो जाएगा तब हम इसमें हमारी सब्जियां डाल देंगे। ये देखिए धीरे धीरे पकने लग गई है और तेल ऊपर आने लग गया है। इस तरह से ही हम थोड़ा सा इसको और पकने देंगे। और सबसे पहले हम मिलाएंगे इसमें जो हमने 1 कप कर्ड लिया है वो, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे जब तक कि उबाल नहीं आ जाता। थोड़ी देर के लिए इसे ढक देंगे, जिससे कि क्या होगा कि जो तेल है वो कर्ड में से ऊपर आ जाएगा और मसाले का बहुत ही सुंदर कलर बन जाएगा पक के। तो ये देखिए कितना सुंदर कलर आया है। अब हम इसमें हमारी सब्जियां बनाएंगे। इसमें हम 1 गिलास पानी मिलाएंगे, जिससे कि हमारी सब्जी जब उबाल आए तो वो सूख के जले नहीं, इसलिए हम इसमें 1 गिलास पानी जरूर मिलाएंगे। और इसमें मिलाएंगे हम सब्जी मसाला, 1/2 चम्मच सब्जी मसाला। आप गरम मसाला मिलाना चाहें तो वो मिला सकते हैं, मैंने यहाँ पे थोड़ी सी कस्तूरी मिर्च भी मिलाई है। अब इसको ढक के हम 2 विसल ले लेंगे मीडियम फ्लेम में। अगर हाई फ्लेम में ले रहे हैं तो 4 विसल लें, और मीडियम फ्लेम में लेंगे तो 2 विसल में भी ये पक के तैयार हो जाएगी। ये देखिए हमारी सब्जी बिल्कुल तैयार हो गई है। हम चेक कर लेते हैं कि आलू पके हैं कि नहीं। आलू हल्के से कच्चे हैं तो हम इसे 5-10 मिनट के लिए
ढक के बिल्कुल रख देंगे और उसके बाद इसे गार्निश करेंगे कोरिएंडर लीव से और सर्व करेंगे। ये देखिए, मैंने इसको थोड़ा देर ढक दिया था, उससे क्या हुआ कि जो मसाले हैं उनकी खुशबू बहुत अच्छी आएगी और हमारी सब्जी भी अच्छे से पक के तैयार हो गई है। और देखिए कितना सुंदर कलर आया है और बहुत ही यम्मी भी है। आप भी इस तरह से बनाइए सब्जी और अपने व्यूज़ और कमेंट्स मेरे साथ शेयर कीजिए। आपको अगर कहीं भी कुछ सजेशन देने हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और मेरे चैनल की वीडियोस और रेसिपीज़ आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, साथ ही बेल आइकन बजाना भी ना भूलिए। थैंक यू।